गोरखपुर पुलिस के महिला आरक्षी रिक्रूट का दीक्षांत समारोह का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एडीजी दावा शेरपा, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के अलावा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित पुलिस के अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडीजी दावा शेरपा ने परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद आरक्षियों ने शानदार मार्च परेड किया, जिसमें 246 महिला आरक्षी शामिल हुए, जिसकी सलामी मुख्य अतिथि एडीजी दावा शेरपा ने ली। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान अच्छी रैंकिंग लाने वाले आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अपने संबोधन में एडीजी द्वारा शेरपा ने 9 आरक्षियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। एडीजी ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद अब आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी आरक्षियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तथा असहाय निराश्रितों के लिए साथ देश व समाज की सेवा करें। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि आज होगी बारिश, आज नहीं सर, कल है, कल तो होगी। इतना अच्छा काम किया है, बारिश कैसे होगी? नहीं नहीं, वो तो है, अब मौसम में होकर ये आज का दिन है जो पास आउट होने के लिए तैयार है। इस परेड का कमांड यानी फर्स्ट इस प्रकार कमांड रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 26 रावली कुशवाहा द्वारा कमांड इन फर्स्ट महिला रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 51 निधि को पूरे परेड की कमान दी गई। रिक्रूट महिला आरक्षी चेस्ट नंबर 1 मंजू कुमारी अपने हो चुकी है। बहुत ही शानदार
तरीके से पूरी परेड में सलामी दी। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझे शक्ति का नाम ही नारी है। अग्रिम कार्रवाई हेतु एक बेहतरीन कदम एक संघ को प्रस्थान करती हुई Thank you.
आरक्षी महिला दीक्षांत समारोह में जो अब तक के अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला रिक्रूट आरक्षियों ने लाइन तोड़ की कार्रवाई की, जो कमांड इन फर्स्ट के नेतृत्व में धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ेंगी। समय है इसका सर, सबको इंतजार रहता है। बेस्ट प्लाटून जिसने मार्च पास्ट अच्छा किया है उसके लिए और सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर। ये 12 प्लाटून है, इसमें से टॉप मोस्ट अभी सेलेक्ट की गई है सर आपके सामने से। वो बता दिए गए प्लाटून बोलेगी अपना नाम, प्लाटून नंबर 4। प्लाटून नंबर 4 के कमांडर आ गए अपना ये कंधा इधर कर। आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं मैं देता हूँ कि सक्रिय पुलिस सेवा में आपका योगदान सदैव उज्जवल रहेगा। समाज के प्रति आपके जिम्मेदारी है, कानून के प्रति जो प्रतिबद्धता है और समाज की जो अपेक्षाएँ हैं इसको पूरा करने के लिए आप एक ऐसी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें चुनौतियाँ भी बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ एक सेटिस्फेक्शन जिसको संतुष्टि कहें ये भी उतना ही है। वो भी व्यक्ति
जो परेशान हो, किसी आपद विपद में हो, तो पहले तो वो ईश्वर को जपता है, ईश्वर को याद करता है। उसके तुरंत बाद अगर किसी की राह देखता है मदद के लिए, तो पुलिस की राह देखा करता है। तो आप उनमें से हैं तो आपद विपद में फंसे दुखी परेशान आदमी के लिए एक पहला रेस्पॉन्डर, पहला व्यक्ति जो उसके मदद के लिए पहुंचने वाले में से है। और ऐसा मदद देकर आपको न केवल पुण्य मिलेगा बल्कि बहुत बड़ी संतुष्टि आपको इसमें मिलेगा। विश्वास रखिए कि नौकरी तो बहुत तरह की है, लेकिन पुलिस की नौकरी को सेवा कहा जाता है। तो इसलिए कि यहाँ आम नौकरी की तरह नहीं, एक सेवा भावना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर इसमें सेवा भावना जागृत है तो उसको संतुष्टि भी उसी मात्रा में प्राप्त होगी। आज इस परेड ग्राउंड में जिस प्रकार का प्रदर्शन आप लोगों ने किया, वास्तव में इसके पीछे बहुत परिश्रम आपका हुआ है, दिखाई दे रहा है। ग्राउंड की साफ सफाई में आपने बहुत मेहनत की है। इस ट्रेनिंग सेशन में लगे सभी टीचर्स हैं, अधिकारीगण हैं, तथा सब आप सभी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। इतना भव्य और बढ़िया परेड प्रस्तुत किया है। मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हुई अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि आप जिस काम के लिए, जिस भावना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस कार्य में जुटे हैं वो सफल रहेगा। आप समाज को जो अपना योगदान है उसको उत्तम उत्कृष्ट पेटी का प्रदान करेंगे। धन्यवाद। सभ्य सौम्य एवं मधुर व्यवहार करूंगी। इसमें सर्व रक्षक परमेश्वर मेरी सहायता करें। जय हिंद। एक दूर के लिए 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 एक दूर के लिए
ये सब छुपे नहीं रखते हैं, बताते नहीं, ये भी कुछ है। कानून समय देखकर हमें गौरवान्वित किया गया है, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। यह प्रशिक्षण 25 जुलाई 2018 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें 177 महिला विद्यार्थी प्रशिक्षण में शामिल थी। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित कर अंतः एवं बाह्य विषयों में समाज के लिए लक्ष्य बनाया गया है। इनमें फायरिंग, नेतृत्व कौशल, आम जन से मधुर व्यवहार, योगा, ध्यान, कंप्यूटर, साइबर क्राइम सहित अनेक सामाजिक चुनौतियों के लिए इनके नैसर्गिक गुणों को विकसित कर समाज में योगदान के लिए पारंगत किया गया। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। एक बार फिर मैं आप सभी के आगमन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ एवं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। आज यहाँ महिला रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है और 277 महिला आरक्षी रिक्रूट आरक्षी यहां से पास आउट करके अपने अपने जनपदों में सक्रिय पुलिस सेवा के लिए जा रहे हैं। इसी अवसर पर मुझे ये सौभाग्य मिला कि यहां मैं अतिथि के रूप में उपस्थित हूं। निश्चित रूप से पुलिस की जो नौकरी है, कठिन नौकरी है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जैसे मैं रिक्रूटों को कह रहा था, ये उतना ही संतुष्टि भी आपको प्रदान करता है, क्योंकि एक असहाय को आप मदद करते हैं, एक आपद विपत्त में पड़े आदमी को अगर आप मदद करते हैं तो उसको, उसके लिए जो आपके मन में संतुष्टि का भावना मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो एक सेवा भी है, ये न केवल नौकरी है, एक नौकरी के साथ साथ में एक जनसेवा है, समाज सेवा है। तो उसी भावना के साथ अगर इसको किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा।